बच्चों आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्यों का आयनन या आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसके संदर्भ में एक सिद्धांत दिया गया आरएनएस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं आरएनएस का विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। यानी आयनन को समझाने के लिए आरएनएस ने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, या इसको हम आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है? पहला मुख्य बिंदु ये है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को, अब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कि जिनमें विद्युत धारा का चालन हो सकता है, तो इसका पहला बिंदु क्या है कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जल में घोला जाता है तो वो दो प्रकार के आवेशित कणों में डिसोसिएट हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आयन्स कहते हैं। तो आवेशित कणों को क्या कहते हैं, आयन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस पर धन आवेश होता है उसे धन आयन कहेंगे और जिस पर ऋण आवेश होता है उसको ऋण आयन कहेंगे। तो पहला बिंदु क्या कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो दो प्रकार के आवेशित कणों में, चार्ज पार्टिकल्स में, वो डिसोसिएट हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आयन्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो आयनन कहलाती है, क्यों? आयन्स में आयन्स का बनना आयनन कहलाता है। तो दो प्रकार के आवेशित कण, तो पहला आवेशित कण जिस पे धन आवेश होगा उसको धन आयन कहेंगे, दूसरा कण जिस पे ऋण आवेश होगा, ऋण आयन होगा, तो हम उसको ऋण आयन कहेंगे। देखिए किस तरह से है कि ए भी कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है, उसको हमने जल में घोला तो वो अपने आयन्स ए प्लस और बी माइनस में डिसोसिएट हो गया, अलग अलग हो गया। तो विलयन में आयन्स का बनना आयनन कहलाता है। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी धन आयन होंगे विलयन में उसके बराबर की संख्या में ही ऋण आयन होते हैं, यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन बराबर नंबर ऑफ नेगेटिव आयन। इसलिए क्या होता है कि वो विलयन न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। ऋण आयन निरंतर धन आयन से क्रिया करके अवियोजित अणु बनाते हैं, अर्थात आयनन क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहां देखिए ए बी बनाता है ए प्लस बी माइनस, और तुरंत वापस से ए प्लस और बी माइनस मिलकर ए बी बनाते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी ए बी ए प्लस बी माइनस बनाएगा और ए प्लस बी माइनस मिलकर ए बी बनाएंगे। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और इसमें एक प्रकार का गतिज साम्य स्थापित हो जाता है। गतिज साम्य से मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि क्रिया रुक गई है, लेकिन रुकती नहीं है, वो चलती जा रही है। यानी निरंतर ए बी से ए प्लस और बी माइनस बन रहे हैं और ए प्लस बी माइनस तुरंत उसी समय रिएक्शन करके ए बी बना रहे हैं। तो ये क्रिया बिल्कुल लगातार चल रही है, तो हमें क्या लगता है कि ये क्रिया रुक गई है, लेकिन रुकती नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इनमें क्या स्थापित हो गया, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम या गतिज साम्य स्थापित हो गया। और देखिए ए बी बनाता है ए प्लस बी माइनस के ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी, यानी जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं है ना, उनको हमने किस तरीके से लिखा है, के इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाया, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया है इसको। तो के क्या कहलाता है, साम्य का स्थिरांक या आयनन स्थिरांक। अब देखिए कि जब विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो धन आयन किसकी ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, और ऋण आयन कहाँ गमन करते हैं, एनोड की ओर मूव करते हैं। इसी क्रम में देखिए कि जब विलयन में विद्युत धारा की मात्रा आयनों की संख्या पर ही निर्भर करती है, कि जो भी अमाउंट ऑफ करंट है या विद्युत की मात्रा है वो किस पर निर्भर करेगी, आयन्स की संख्या पे। तो बच्चों जब आयन्स की संख्या ज्यादा है तो विद्युत की मात्रा ज्यादा होगी, आयन्स की संख्या कम है तो विद्युत धारा की मात्रा भी कम होगी। विलयन में विद्युत अपघट्य की संपूर्ण मात्रा का आयनन नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं
वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उनका कुछ अंश ही आयनित होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या आयनन की मात्रा। तो आयनन की मात्रा क्या होती है, विद्युत अपघट्य का जो अंश यानी फ्रैक्शन आयनित होता है वो आयनन की मात्रा कहलाता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो आयनन की मात्रा बराबर क्या हुई, विद्युत अपघट्य के आयनित मोल अपॉन विद्युत अपघट्य के कुल मोल, आयनित मोल यानी ए प्लस और बी माइनस ये आयंस हैं, अपॉन कुल मोल कौन था, ए बी। तो ए बी नीचे आएगा और ए प्लस और बी माइनस ऊपर आएगा। इसी प्रकार से किसी भी विलयन के गुण जो होते हैं उसमें उपस्थित आयंस के गुण होते हैं, है ना, परमाणु के नहीं होते। अब जैसे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है वो नीले रंग का होता है, तो नीला रंग किसके कारण हुआ, कॉपर आयन के कारण, ठीक है ना। इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट गुलाबी रंग होता है, तो ये रंग किसके कारण हुआ, मैग्नेट जो होता है MnO4 उसके आयन के कारण होता है। प्रबल विद्युत अपघट्यों का आयनन अधिक होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन कम होता है। तो आयनाइजेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, आयन्स की संख्या ज्यादा होती है, और दुर्बल विद्युत अपघट्य बहुत कम आयनित होते हैं, इसलिए उनमें आयन की संख्या भी कम होती है। विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता जो होती है वो नंबर ऑफ आयन्स तथा उनकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी कंडक्टिविटी, उसमें से उस विलयन में से कितनी धारा का चालन होगा ये किस पर निर्भर करता है कि उनमें आयन्स की संख्या कितनी है और उनका नेचर क्या है। तो इस प्रकार हमने 10 पॉइंट्स पढ़े कि विद्युत अपघट्यों के आयनन के बारे में आरएनएस थ्योरी, आरएनएस नामक वैज्ञानिक ने ये 10 पॉइंट दिए थे बताने के लिए कि किस तरीके से विद्युत अपघट्य जो है हम उसको घोलते हैं वो आयनों में विभक्त होता है, और जैसे ए बी है वो ए प्लस और बी माइनस में बदला है, तो ए प्लस और बी माइनस तुरंत अभिक्रिया करके ए बी बनाता है, और उसी समय वापस ए बी जो है वो डिसोसिएट हो जाता है ए प्लस और बी माइनस में। इस तरह से जो ये क्रिया होती है उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के कारण इसमें गतिज साम्य स्थापित हो जाता है। गतिज साम्य का मतलब यह है कि ऐसा लगता है कि क्रिया रुक गई है लेकिन निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार से एक कॉन्स्टेंट हमें मिलता है के इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी माइनस अपॉन मोल ऑफ ए बी। तो इस तरीके से ये के इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी, ये जो के है वो क्या है, आयनन स्थिरांक है। इसी प्रकार से विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, और हम आयनन की मात्रा के बारे में और क्या जान सकते हैं कि जो है विद्युत अपघट्य के आयनित मोल अपॉन विद्युत अपघट्य के कुल मोल। ये ध्यान रखिएगा, आयनन की मात्रा को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और किसी भी विलयन के जो गुण होते हैं वो आयन के गुण होते हैं ना कि परमाणु के गुण होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आयनन अधिक होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन कम होता है।